प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोग 30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय की घोषणा कर देंगे, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि जिन लोगों के पास अघोषित आय है, उनके पास ये आखिरी मौका है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों को काला धन घोषित करने का मौका दिया है और जुर्माना देकर कई तरह के बोझ से मुक्त हुआ जा सकता है। श्री मोदी ने कहा, मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपनी मिल्कियत के संबंध में अघोषित आय के संबंध में सरकार को जानकारी दे देंगे, सरकार उनकी किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी। मोदी ने कहा, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इतना धन कहां से आया, एक बार भी पूछा नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए। श्री मोदी ने कहा, मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि 30 सितंबर तक की ये योजना है, इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए। मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितंबर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ हो, जो सरकारी नियमों से जुड़ना नहीं चाहता, तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी। उन्होंने आपातकाल की काली रात के बारे में कहा कि 39 साल पहले लोगों की आवाज दबा दी गई थी, लेकिन देश की जनता ने लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ा। उसका ही नतीजा है कि अब जनता खुद तय कर रही है कि सरकार कैसा काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा, कभी कभी कुछ लोग मेरे मन की बात कार्यक्रम का मजाक उड़ाते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि हम लोकतंत्र के बारे में प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।